एस जयशंकर का बयान सामने आया है, बांग्लादेश आर्मी की टच में भारत है। बांग्लादेश में फंसे 20,000 भारतीय जिसमें 8,000 छात्र भारत लौटे हैं, तो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उस हालात पर लगातार भारत की नजर है। और ऐसे में जो खबर सामने आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है कि बांग्लादेश आर्मी की टच में लगातार भारत है और बांग्लादेश में 20,000 भारतीय जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित लाने की पूरी कोशिश भारत में की जा रही है। बताया जा रहा है कि 8,000 छात्र अब तक भारत लौट चुके हैं, तो तख्ता पलट हुआ है वहां। और शेख हसीना के सरकार गिरने के बाद से जो हालात बने हुए हैं वो काफी तनावपूर्ण वहां पर नजर आ रहे हैं, जहां हो हंगामा चल रहा है। और ऐसे में खास करके जो भारतीय लोग हैं उनको लेकर के चिंतित केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग लगातार वहां के हालातों को लेकर के कर रही है। और ऐसे में खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश आर्मी की टच में भारत है और 20,000 भारतीयों की संख्या जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, ऐसे में उनको सुरक्षित लाना बड़ी प्राथमिकता है। और इससे पहले भी जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक हुई, और इस बैठक के जरिए लगातार इस बात पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से हालात को और सामान्य करने की कोशिश की जाए और जो खासकर के भारतीय लोग फंसे हुए हैं बांग्लादेश में उनको सुरक्षित कैसे वापस यहां पर लाया जाए। और इस बीच बता दें कि बांग्लादेश आर्मी की टच में लगातार भारत है। शेख हसीना की बात करें तो उनको भी भारत ने सुरक्षित स्थान देने की कोशिश की है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात अभी बने हुए हैं, भारतीय काफी ज्यादा है जो वहां पर फंसे हुए, किस तरीके की तैयारी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए? देखिए, आपको बता दें कि अपनी पार्टी बैठक सरकार ने बुलाई थी, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ जो बांग्लादेश के जो हालात उत्पन्न हुए उस पर चर्चा की गई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने सरकार से सवाल किए कि किस तरीके से आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार पूरी तरह से स्थिति में नजर बनाए हुए है। आज जो बैठक हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि वहां की आर्मी के साथ भारत सरकार पूरी तरह से टच में है और चूंकि स्थितियां लगातार बदल रही है, ऐसे में अभी कोई ठोस चीज जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन टच में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और जहां तक भारतीय नागरिक का सवाल है जो वहां पर है उसको किस तरीके से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि देखिए दो दिन पहले ही विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके कहा था कि बांग्लादेश लोग ना जाए, लेकिन जो वहां फंसे हुए हैं उसको निकालने की भी पूरी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से है और निकाली जाएगी। लेकिन आज सभी राजनीतिक पार्टियों को एक तरह से आश्वस्त किया है कि भारत में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं उसको देखते ही भारत सरकार उस पर कोई भी नजरिया बनाएगी और उसको लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए अनूप आपका। तो देखिए, लगातार कोशिश यही की जा रही कि जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जो है वो वापस भारत बुलाया जाए, क्योंकि जो हालात है वो काफी वहां पर तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं और खास करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनके जो उत्पात है वो देखने को मिल रहे हैं, लगातार वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार की लगातार नजर। बढ़ेंगे आगे, लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय सीट से टिकट कटने के बाद पहली बार बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बक्सर पहुंचे और ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अश्विनी चौबे के बक्सर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि संविधान पर एनडीए अलायंस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति लेकर के और उनके विपक्ष के नेता जनता को गुमराह करने पर लगे हुए थे। आज भी हमें बताओ, संविधान में, संविधान के मूल में भगवान राम का राज्याभिषेक का है, राम राज्य, हमें तो वही राम राज्य, वही मूल संविधान को लेकर के देश को आगे बढ़ाना है। अनुच्छेद 370 हटाने के 5 साल बाद बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने
खुशी जाहिर की है और कहा कि पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में 5 साल पहले तक लोगों को जाने के लिए परमिशन लेना होता था, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास से लोग बिना किसी दिक्कत के जन्नत का दीदार कर सकते हैं। कहा जाता है हम लोग गाँव में रहते थे, लोग कहता था कि इस भारत का जन्नत है कश्मीर, देखने की सबकी ललाई थी, लेकिन कुछ हमारे पूर्व के नेता थे, पूर्व के हमारे सरकार के लोग थे, उनको ये मंजूर नहीं था। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, धन्यवाद देंगे देश के सच्चे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने 370 हटा के भारत के सभी लोगों के धरती के जन्नत का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। पटना के अटल पथ पर एक जली हुई हालत में कार मिली है। कार में भारी संख्या में दस्तावेज भी मिले हैं जो जले हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या कार के अंदर कोई व्यक्ति था जिसके साथ कोई घटना हुई है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कार पूरी तरीके से जली हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ से जले हुए दस्तावेज जो है वो भी मिले हैं और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पहुँच करके मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन हालातों में ये कार जली और जब कार ये चली तब क्या कोई इसमें व्यक्ति इसमें सवार थे या फिर किस मकसद से इसे जलाया भी गया होगा, क्या कुछ हुआ है, इस पूरे एंगल पर जांच की जा रही है। क्योंकि देखिए ये कार नजर आ रही है सड़क के किनारे, ये कार खड़ी है और पूरी तरीके से जली हुई नजर आ रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।